हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल ईआरसी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में मधु मैम आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं अपने नए इंग्लिश सेट के साथ में। जैसा कि हमने पिछली बार सेट ए सॉल्व किया था, उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। इससे पहले आप वीडियो को जब शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन भी सुना देता हूं। जैसे कि मैं आपको आज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूं, इसमें मैंने 10th क्लास को भी करवाए हैं और 12th क्लास को भी करवाए हैं। जो मेरे 12th क्लास का अभी इंग्लिश का पेपर हुआ है हाल ही में, उसको मैंने जब देखा तो उसका जो ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन था एज इट इज था, जैसा कि मैंने पांचों पेपर्स वहां पर सोल्व करवाए हैं। और जो क्वेश्चन था डी सेक्शन वहां पर टेक्स्ट वाला, उसमें आपको 60% क्वेश्चन उसी सेट में से बैठे थे। तो ये काफी अच्छी बात रही है स्टूडेंट्स के लिए भी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की थी, और काफी थैंकफुल थे मेरे लिए कि मैम आपने हमारे जो मटेरियल प्रोवाइड करवाया था वो एनफ था, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छा हमारा पेपर रहा है। और उम्मीद करते हैं उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहे। तो आप भी मेरे साथ बने रहे और प्रैक्टिस करते रहे, और ईश्वर आपके लिए भी ये जो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके लिए भी हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं मटेरियल काफी हो आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज गेन करने के लिए। देखिए ये प्रैक्टिस पेपर आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए ये है कि उनको सिलेक्टेड चीजें मिल जाती है, और जो एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए आपको, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए आप अलग से भी प्रैक्टिस करें, लेकिन जो बच्चे कम थोड़े से वीक होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, जिससे कि उनको बैकअप ना लेना पड़े और अच्छे से वो आगे की क्लासेस को फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, जिससे कि क्या होगा आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। और भलाई करते चलिए, आपको भलाई अच्छा करोगे तो अच्छा आपको फ्रूट वहां पर मिलने वाला है। तो देखिए जैसा कि हमने पेपर पिछले वाले पेपर में सारा पैटर्न देख चुके थे, अब फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमारा जो पेपर है किस टाइप से आने वाला है, किस टाइप से आपको उसके आंसर करने हैं। सारा आइडिया लास्ट वीडियो में लग चुका होगा, और अभी की वीडियो में एक बार फिर से आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा पेपर आता है वो किस टाइप से आता है। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स के होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 होता है, 75 होता है। टाइमिंग आपकी 3 आवर्स होती है, और इंस्ट्रक्शन आपको जैसा कि पता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। और प्रैक्टिस हमारी इतनी अच्छी होने वाली है कि हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे ही करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, और वीडियो को भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ बीच में आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो आपको काफी काम आ जाए एग्जाम हॉल में बैठे बैठे। इसलिए आप एक भी वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। मार्क्स आपके जो है आपके क्वेश्चंस के आगे दिए गए हैं, और पेपर सेट आपका 4 सेक्शन में होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बी सेक्शन है राइटिंग का, सी सेक्शन है ग्रामर का, और डी सेक्शन टेक्स्ट का आपके सामने आपको मिलने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को, जिसमें की है सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका होता है रीडिंग सेक्शन, यानी कि आपको जो पैसेज दिए गए होते हैं 5 मार्क्स से 2 पैसेजेस आते हैं, तो आपको हर पैसेज को पढ़ना है ध्यान से और उसके आंसर उसी पैसेज के अंदर मिलते हैं। तो ये तो काफी इजी है आपके सामने 10 मार्क्स ऑब्टेन करना, कि आंसर भी सामने ही है, क्वेश्चन भी सामने है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा उसको फाइंड आउट करना होता है। तो आपको 10 मार्क्स तो ये फ्री के ही मिलते हैं एग्जाम, तो बड़े ध्यान से आप इससे पढ़ेंगे। इससे आपका बस ये इसके लिए होता है आप अंडरस्टैंडिंग कितनी है इंग्लिश के लिए, यही यहाँ पर एग्जामिनर देखना चाहता है। ठीक है, तो एजुकेशन होल्ड्स क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ। जो एजुकेशन होता है क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक मानव के जीवन में। One needs to go to school and colleges to go to get an education. और हर किसी व्यक्ति को हाँ स्कूल और कॉलेज एजुकेशन गेन करने के लिए जाना ही पड़ता है। As a learner and gainer of education, one's student life takes off. और एक शिक्षार्थी जो शिक्षा अध्ययन करते करते ही अपनी लाइफ में उड़ान भरता है, यानी कि ऊंचाइयों तक जाता है वो शिक्षा ग्रहण करते करते। This is the time when he or she has to learn and know a range of subject. और यही वो टाइम होता है जबकि एक विद्यार्थी जो होता है वो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेता है। एज अ स्टूडेंट वी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, हम जब विद्यार्थी तो काफी सारी बुक्स पढ़ते हैं, स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स, तो काफी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्पोर्ट्स गेम एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज, और जो हमारे शिक्षार्थी जीवन में जो हमारा एकेडमिक एरिया होता है वहाँ पर हमारे जो एकेडमिक बैकग्राउंड में जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं, उन सब में हम पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ इन्वॉल्व फ्यूअर स्ट्रगल्स मोर फन, यानी कि जो स्टूडेंट की लाइफ होती है ना उसमें क्या होता है कम तो संघर्ष होता है लेकिन आनंद ज्यादा होते हैं। फ्यूअर प्रॉब्लम्स कम प्रॉब्लम्स होती है लेकिन मोर एंजॉय, आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। स्टूडेंट डू अ लॉट ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट्स लाइफ, और जो विद्यार्थी होते हैं उनकी लाइफ में काफी शरारतें भी करते हैं, बट दे आल्सो लर्न मोरल वैल्यूज, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके जो नैतिक वैल्यूज होते हैं वो सीखते हैं।
टेक मेक देम अ जेंटलमैन प्रोवाइडिंग देम विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन सोसाइटी, और उसी मॉरल वैल्यू के द्वारा ही उसे एक सभ्य व्यक्ति बनाया जाता है, और जो एक सोसाइटी में उसकी एक विशेष भूमिका होती है। कहाँ से? स्कूल लाइफ से। जिसकी स्कूलिंग लाइफ अच्छी है ना, वो आजीवन उसको जो मॉरल, उसकी जो नैतिकता होती है ना, उसमें हमेशा बनी हुई रहती है। योर फ्यूचर टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ हैज योर स्टूडेंट्स लाइफ बीन, और आपका जो फ्यूचर होता है ना, टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही है। बट हैविंग फिनिश्ड आवर एजुकेशन वी आर स्टिल कॉल्ड स्टूडेंट बिकॉज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। लेकिन जब हमारा हमारी स्कूलिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने आपको एक लर्नर और एक लर्नर और स्टूडेंट ही मानना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन भर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है और सीखना ही चाहिए। इफ इट डज फॉर यू, यू आर नॉट अ रियल लर्नर। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सच में एक अच्छे विद्यार्थी नहीं है, एक अच्छे सीखने वाले नहीं है। दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ। और इसीलिए हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और नए तरीके से सीखना चाहिए। इट इज सैड दैट स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ बिकॉज इट कीप्स यू ग्रोइंग। और कहा जाता है कि जो विद्यार्थी जीवन है वो हमेशा सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाता है। उम्मीद है आपको पैसेज पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, मैं इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर आंसर की तरफ लेकर जाती हूँ। आंसर सेट कर आप यहाँ पर हम सारा के सारे यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो हम यहाँ पर इसी सेट में उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब आप आंसर भी देखते चलेंगे मेरे साथ में। देखिए हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम इसके आंसर देखते, क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट के जीवन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, टू हैव फन एंड एंगेज इन मिस्चीवियस एक्टिविटीज। क्या स्टूडेंट को शरारत करना है, केवल यही उसका पर्पस होता है? टू लर्न एंड एक्वायर एजुकेशन, और या फिर उसे लर्न करना है, एक्वायर करना है एजुकेशन को, या फिर टू अवॉइड स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम्स, और या फिर संघर्ष और प्रॉब्लम्स से अवॉइड करनी है। टू फोकस सोलली ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या फिर उसे सिर्फ गेम्स और स्पोर्ट्स पर ही अकेले फोकस करना है। जी नहीं, उसे हमेशा अपने जीवन में एजुकेशन के बारे में सीखना है और एक्वायर करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ स्टूडेंट्स आइडेंटिटी इन सोसाइटी। क्या सोसाइटी में क्या उसको मिलता है? आप मॉरल वैल्यूज जो भी वो सीखता है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमने पहले पढ़ लिया है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, व्हाई इज स्टूडेंट लाइफ ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। क्या ये कहा गया है इस पैसेज में कि जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है? ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल इट इज ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू पैसेज। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टिंक्ट? यहाँ डिस्टिंक्ट का पर्यायवाची क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है? इनडिस्टिंक्ट इज अपोजिट हो गया, क्लियर कॉमन या यूनिक। यूनिक यानी कि आपको विशेष बनाता है, ये इसका इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमने इसका मीनिंग निकाला था। उम्मीद है आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Next question है, read the passage carefully and answer the questions given below. अब इस passage को भी पढ़ना है, मैं अच्छे से पढ़ेंगे हम। Who can describe the pleasure and delight, peace of mind and soft tranquility one would feel in the balmy air, green hills and rich woods of a village? यानी कि यहाँ पर क्या बताया है, village के अंदर जो खुलापन होता है, जो ताजी हवा होती है, उसके बारे में यहाँ पर जो आपका narrator है वो बता रहा है। Who can describe, कौन यहाँ पर describe कर सकता है the pleasure and a delight, जो खुशी जो प्रसन्नता हमें मिलती है, कहाँ पर? द पीस ऑफ माइंड, जो दिमाग को शांति मिलती है, सॉफ्ट ट्रैंक्विलिटी और एक एकांतता मिलती है, वन वुड फील इन द बामी एयर, जो हमें कहाँ पर मिलती है? तरोताजा हवा, ग्रीन हिल्स, हरी भरी पहाड़ियाँ और रिच वुड्स ऑफ विलेज, वो विलेज जो हरा भरा है, हरियाली से भरा हुआ है, वहां पर ये सब चीजें हमें आराम से मिल सकती है। दिस लाइन्स आर राइटली सेड बाय अ ग्रेट इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकन। तो ये जो लाइन कही गई है किसके द्वारा कही गई है? चार्ल्स डिकन के द्वारा। No doubt, city life is charming and glamorous for some, has all the facilities to make one's life comfortable. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई शक नहीं है इसमें कि जो सिटी की लाइफ होती है चार्मिंग होती है, आकर्षक होती है, खूबसूरत होती है, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाती है, हमारी लाइफ को कम्फर्टेबल देखिए आराम सुविधाएं प्रदान करती है। बट नन कैन डेनाई द प्लेजर ऑफ सॉकिंग इन द ब्यूटी ऑफ द सन राइजिंग स्लोली फ्रॉम द हॉरिजन। लेकिन कोई भी इस बात से भी मना नहीं कर सकता है कि द प्लेजर ऑफ सॉकिंग इन द ब्यूटी ऑफ द सन, ये जो सन का जो उगना है ना, कहाँ से जो क्षितिज पर से जो सन उगता है, वो जो ब्यूटी है वो कहाँ पर नहीं, वहां पर वो नहीं मिल सकती है। द लाइट स्काई, फ्रेश व्हाइट क्लाउड, वो जो हल्का हल्का सा स्काई है, जो सफेद सफेद बादल है, जो बर्ड चिरपिंग है, जो पक्षियों की चहचहाट है, मैरली एंड ट्रीज डांसिंग टू द ट्यून ऑफ फ्लोरिंग
फ्लोइंग एयर गिव्स दैट अ डे नाइस स्टार्ट। और वो जो सवेरे सवेरे जो हवा बह रही है, हवा के साथ में जो ट्रीज है वो डांस कर रहे हैं बड़े खुश में। वो जो एक सुबह की शुरुआत जैसी गांव में होती है वैसी वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। इन सिटीज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट इवन अ ग्लिम्स ऑफ द स्काई। और जो सिटी होता है कभी कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि आकाश भी देखने को हम तरस जाते हैं, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, आकाश तक नहीं दिखता है। द हसल एंड बसल ऑफ सिटी ऑफ लाइफ डज नॉट गिव अस अ चांस टू एंजॉय इवन द सिंपलेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ। और जो शहर का शोर शराबा है वो हमें एक मौका भी नहीं देता है कि सादे से जीवन और जीवन को हम एंजॉय कर सके। अ टिपिकल अर्बन डे वेक्स टू द श्रिल बज ऑफ द अलार्म। और जो अर्बन है, जो शहरी जीवन है, वो कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है एक तेज अलार्म के साथ में, हम जागते हैं एंड देन स्टार्ट्स द मंडेन एक्टिविटीज ऑफ गेटिंग रेडी। और जो उनकी गतिविधियां है, जो जीवन को जीने की जो सांसारिक गतिविधियां है उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं, जैसे कि हैविंग अ क्विक बाइट, हम जल्दी जल्दी से उठते हैं और खा नाश्ता करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं उसको, खाते हैं ना, मतलब उसको आनंद के साथ नहीं खाते, बस पेट भर रहे हैं। हरिंग टू द ऑफिस, और जल्दी जल्दी हम ऑफिस खाते हैं, ऑफिस जाते हैं एंड सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द बोरिंग कंप्यूटर स्क्रीन ऑल डे लॉन्ग। और पूरा दिन हम उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। कमिंग बैक होम इज नन द लेस एन ऑर्डर फॉर मोस्ट ऑफ अस। और ये जो पूरा दिन का जो वापस घर आते आते एक तरीके से व्यक्ति अग्नि परीक्षा की तरह हो जाता है हमारे लिए। कंपेयर टू इट इज द स्लो बट रिदमिक लाइफ ऑफ विलेज, वेयर वन हैज द टाइम टू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ द डे एंड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग। लेकिन अब इसको कंपेयर किया जाए गांव की जो इतनी लहरमय जो जीवन है वहाँ का, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, उस ब्यूटी से उस दिन के लिए, कि जब हम रात को जब घर पर जाए तो हम भगवान को धन्यवाद देने का टाइम भी हो हमारे पास कि तूने इतना अच्छा समय हमें दिया, इतना अच्छा नेचर हमें दिया है, वो समय सिटी वालों के पास तो है ही नहीं। विच वन डू यू प्रिफर, आप इन दोनों में से कौन सी लाइफ पसंद करेंगे, गाँव की या शहर की? तो उम्मीद है आपको ये पूरा पैसा समझ में आ गया होगा। ये हमें चार्ल्स डिकन की बात कही गई थी, जो शहर का जीवन होता है, जो गांव का जीवन होता है, दोनों कंपेयर किया गया है। और एंड में आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि आप बताइए आपको कौन सा जीवन पसंद है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्वेश्चन आगे, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज, यहाँ पर जो सिटी लाइफ है उसके बारे में क्या कहा गया है, चार्मिंग है, ग्लैमरस है, कम्फर्टेबल है, बिल्कुल वो सब कुछ यहाँ पर सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं। जो सिटी का लाइफ है चार्मिंग भी होता है, ग्लैमरस भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है, सारे के सारे होते हैं। अ ड्रॉबैक ऑफ अ विलेज लाइफ कैन बी लिमिटेड फैसिलिटीज देन सिटीज, यानी कि जो विलेज है वहाँ पर क्या होता है, फैसिलिटीज कम होती है सिटियों की अपेक्षा। ठीक है ना, द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स, हसल बसल का मतलब क्या था, शोर शराबा, द लाइफ इज टू फास्ट, बहुत भगदड़ी भगदड़ है। According to facilities, it is always easy to get a glimpse of the sky in the cities every day. क्या ये सही है? क्या वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर sky की झलक भी आपको दिख जाती है? जी नहीं, उसने कहा था बिल्कुल possible ही नहीं है। फिर false, the synonym of mundane as used in passage. यहाँ पर mundane का मतलब क्या है? जो daily सा routine होता है वो mundane, ठीक है? Extraordinary, typical या interesting तो mundane, routine जो routine है, और routine का काम करते करते हम bore भी हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों passage समझ में आ गए होंगे, उसके आंसर भी आपने मेरे साथ लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि राइटिंग स्किल का, सेक्शन बी, सेक्शन है अर्थात रीडिंग स्किल का जो कि कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी, जो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, यानी कि आपको पैसेज को पढ़ना है, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और उसका एक अच्छा सा टाइटल आपको देना है कि ये पैसेज जो है वो किससे रिलेट कर रहा है। इंडिया इज द लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जो इंडिया की जो धरती आर्ट और कल्चर से बनी हुई है, यहाँ पर कला और संस्कृति है, अ लैंड ऑफ डिवोशन, यहाँ पर भक्ति भी है, अ लैंड ऑफ प्राउड हेरिटेज, और बहुत ऐसी विरासत है जिस पर कि हम गर्व महसूस करते हैं, एंड रिच लीगेसी, इंडिया हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर, और जो इंडिया है वो हमेशा जाना जाता है अपनी विरासत और सभ्यता संस्कृति के लिए। द वंडरफुल लैंड हैज प्रेजेंटेड अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि जो हमेशा अपनी कला को परफॉर्म करता रहता है। डांस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अपीलिंग फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स दैट हैज बीन एनकरेज्ड फॉर सेंचुरीज इन इंडिया, और डांस एक ऐसी चीज है कि जो सदियों से हमारी कला को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो कहा जाए हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फोक है, फोक डांस है ना, वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो इंडिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वो इतना डिफरेंट है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लॉसमिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ मीनिंग
एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिव वेरिड इमोशंस एंड फीलिंग्स। और ये जो आर्ट्स है वो क्या करता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो डांस है वो अपनी इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कला होती है। इट इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन विद द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, अ सर्च ऑफ मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स। और यहाँ पर जो शब्द नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो चीज हम हमारे डांस में ही एक्सप्लेन कर देते हैं। डांस एक कल्टिवेट्स डिसिप्लिन, और डांस से क्या होता है, हमें डिसिप्लिन का विकास होता है। प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग्स बाय अंडरस्टैंडिंग द स्टोरीज, और एंड देयर बाय नोइंग द गुड एंड बैड, कल्टिवेट्स गुड बिहेवियर। वो क्या होता है, इसकी वजह से हमें गुड बिहेवियर भी मिलता है। द ट्रेनिंग प्रोसेस अंडर अ गुरु हेल्प एन इंडिविजुअल टू इम्प्रूव एंड मेंटेन डिसिप्लिन। और ये जो ट्रेनिंग डांस के लिए जाते हुए गुरु के सानिध्य में ली जाती है, जो कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। डांस ट्रेनिंग कल्टिवेट अ परफेक्ट सिस्टमेटाइजेशन, रेस्पेक्टिंग अदर्स, द स्टैंडिंग पोजिशन, वॉकिंग स्टाइल, बिहेवियर, टॉकिंग कल्चर, ड्रेसिंग सेंस, हेल्पिंग नेचर, ऑल कल्टिवेटेड थ्रू क्लासिकल डांस। जो क्लासिकल डांस होता है उसकी उससे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, यानी कि हम दूसरों को आदर देना सीखते हैं, हमें किस तरह से खड़े होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टॉकिंग कैसे होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हमें क्लासिकल डांस में देखने को मिल जाती है। डांस योर वे टू बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आपको हेल्दी और हैप्पीनेस रखने का सबसे अच्छा तरीका आपका डांस होता है। यानी कि हमने क्या देखा, आप इंडियन कल्चर की बात हो रही है और इंडियन कल्चर में हम डांस की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा ना कि इंडियन कल्चर की, इंडिया का जो फोक डांस है उसके बारे में बात करें, तो अब यहाँ पर आपको टॉपिक भी समझ में आ चुका होगा। देखिए अभी हम नोट्स मेक कर लेते हैं। देखो नोट्स मेकिंग के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपको नोट्स बनाना सीखने को ईजी हो जाए, जिससे कि आप इसके 4 out of 4 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर नोट्स है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल आपने ये सब हमें नोट्स के अंदर ही मिला हुआ। अब मैंने यहाँ पर देखिए एब्रीवाइजेशन यूज किया, जैसा कि मैंने कहा था कम से कम 2 या 3 एब्रीवाइजेशन, तो कम से कम 3-4 तो एब्रीवाइजेशन आपको यूज करनी है। डांस इज द मोस्ट अपीलिंग फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आर्ट्स एक्सप्रेस वैरिड इमोशंस एंड फीलिंग्स, डांस कल्टीवेट्स डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, डांस मेक्स योर वे ऑफ लाइफ बेटर एंड हेल्दी। देखिए मेन मेन पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख चुके हैं ना। अगला है यहाँ पर, हमने इंडियन डांस इसका टाइटल दे दिया है, एब्रीवाइजेशन जो यूज किया था, एब्रीवाइजेशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ब्लॉक के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, आप ऐसे ब्लॉक में बंद कर लेंगे। इसीलिए अगले पर क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, यू आर सीमा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पैटर्न बताया था एप्लीकेशन का, पैटर्न का, और कैसे मार्किंग होती है यहाँ पर, ये भी चीज मैंने आपको समझा दी थी। अभी आप देख लेंगे, अभी यहाँ पर काय की एप्लीकेशन देकर रखी, सब्जेक्ट क्या दिया गया है यहाँ पर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का है, लिखना किसको है, टू द प्रिंसिपल को लिखना है, स्कूल का नाम कहाँ से है यहाँ से लेंगे आप, और जगह का नाम यहाँ से लेने वाले हैं, और आपका खुद का नाम यहाँ पर क्या है, सीमा शर्मा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बैरसिया, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर SLC, रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माय फादर इज अ टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, आवर होल फैमिली इज गोइंग देयर, I also going with him, so I need my transfer certificate for further study. Kindly issue me my school leaving certificate. यदि transfer certificate भी हो तब भी आपको यही लिखना है, और school leaving certificate तब भी यही। I would be always obliged to you, thanking you sir, yours obediently, name Seema Sharma। यहाँ पर date डालेंगे, date आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी mention कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे। ठीक है, इसी option में आपको मिलने वाला है letter, आप चाहे तो application करेंगे, आप चाहे तो आप letter करेंगे, डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को ही लिखा है क्योंकि एप्लीकेशन आपके लिए ज्यादा इजी रहेगी, और आप तो इतना समझ, आप लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिख किया है। यहाँ पर लेटर किसका दे रखा है, आपकी आपको रिक्वेस्ट करनी, यू आर अनुप अनिता रिजाइडिंग एट N32 नेहरू कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। यानी कि आपको अपने पापा को लेटर लिखना है, क्या करने के लिए, बुक्स परचेस करने के लिए ₹500 चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है आपको ऐसे कहा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग इन 150 वर्ड्स। 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, लास्ट वाले वीडियो में हमने साइंस वाले पर किया था, अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रख लीजिए, जो
टॉपिक्स वाइज मैंने काफी इजी आपके लिए उठाए हैं, अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है? ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम, जो ऐसे है, ऐसे के ऑप्शन में आपको मिलने वाला है पैराग्राफ, तो आप चाहे तो ऐसे करें चाहे तो आप पैराग्राफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर ऐसे किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रीड ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, यानी कि पिक्चर गाइडेंस आया क्वेश्चन आपका, ये सिंपल अकेले ही आता है, इसमें कोई ऑप्शन में कुछ भी नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। यहाँ पर आपको पिक्चर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप अपने आप को फिट और हेल्दी किस टाइप से रख सकते हैं। जैसा कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए, डोंट स्मोक और तंबाकू, यानी कि आपको धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लिखा है, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। इसे काफी छोटा लिखा है, काफी इजी लैंग्वेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका एक बार। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन होता है, 10 मार्क्स का आता है। यहाँ पर कुछ अल्टरनेटिव वाले आते हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन डूएस डायरेक्ट वाले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। सन राइजेस इन द ईस्ट, आर्टिकल यूज करना ए एन द, जो भी चीज आपकी यूनिक होती है उसके लिए हम द का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर द लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, द। अगला है द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, जो बैंक है ना, ये सही रियल बात है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता ही है। तो यहाँ पर आएगा गिव्स, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंगुलर है बैंक, तो गिव्स आएगा, गिवन आएगा नहीं यहाँ पर, और गिव आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल के सामने ये आता। तो ये जो रियल बात होती है ना, फैक्ट होते हैं, उनके आगे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं, कहाँ पर, जब कोई फैक्ट्स होते हैं वहां पर। हेल्थ इज देन वेल्थ, जहां देन मिले वहां पर आपको एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज करनी, कंपैरेटिव डिग्री, चूंकि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और देन के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। दैट्स व्हाई वी यूज हियर बेटर वर्ड, वी यूज हियर बेटर वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जहां पर बेटर आएगा। अगला है प्रमोद विल सी यू मंडे, यहाँ पे आपकी पोजिशन है 8 और 10। जब आप टाइमिंग की बात करते हैं, टाइम के आगे आपको एन का यूज करना होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, और डे मंथ, डे और मंथ के आगे आपको ऑन का यूज करना होता है। तो यहाँ पर मंडे एक डे है और ये टाइमिंग है, तो आप यहाँ पे 1 और 8 यूज कर लेंगे। देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, नेगेटिव हो गया। मच मेनी और फ्यू, फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के लिए होता है, मेनी भी काउंटेबल नाउन के लिए होता है, लेकिन मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर मच। देखिए मैं आपको यहाँ पर रीजन भी बताते जा रही हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या रीजन है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं बैठे लेकिन टाइप्स इस टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमें, आप आइडिया लगा सकते हैं क्यों हो सकता है। इसलिए मैंने आपको रूल्स पूरे नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आपको समझा चुकी हूँ कि क्यों मच आ रहा है और मेनी और फ्यू क्यों नहीं आ रहा है, तो जिससे कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपना दूसरे जो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है जो आपके सामने, उसमें से जो गलत है उसको हटा सकते हैं, जो सही है उसको आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा, तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियस आने वाली है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, दे के अकॉर्डिंग, डीड के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको, आपने मेरे टेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन पर जाए, उस लिंक को आप क्लिक करें और देख लें, ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए कि क्यों मैम ने यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगा लिया, हैज और हैव का ही क्यों यूज किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव है, और हैव सिंगुलर के साथ में आता है, प्लूरल के साथ में हैव आता है, दे प्लूरल है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे हैव का यूज किया, ठीक है? डूएस डायरेक्ट है, अब डूएस डायरेक्ट देखते हैं। मैंने कहा ना वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बीच बीच में ही इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है जो आपको काफी बेनिफिशियल होती है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब अगला है आपका डूएस डायरेक्ट, यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं, जैसा यहाँ पर जंबलिंग दे रखे हैं, इसको आपको रीअरेंज करके सीक्वेंस देना है। योर पेन, यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, इससे ये समझ में आ गया कि हमें ये कौन सा इंटरोगेटिव में ही बनाना है। तो योर पेन कैन गिव मी यू, देखिए यहाँ पर कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं दे रखा है यहाँ पर, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या फिर मॉडल वर्ब दे रखी है। कैन एक मॉडल वर्ब है, तो हम कैन से स्टार्ट करेंगे, कैन यहाँ पर हेल्प एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है, उसका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, यू, कैन यू वर्ब ही फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल में, तो कैन यू गिव मी योर पेन, यहाँ पर इंटरोगेटिव बन चुका है। He worked very hard. He couldn't pass the exam. यहाँ पर combine the sentence using but. But मैंने आपको last video में बताया था कि जब आपको opposite
वर्क का मतलब कहाँ होता है, जहाँ पर अपोजिट चीज मिलती है, आप वर्क करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उसके अपोजिट मिलता है, आपको कंट्रास्ट वाला सेंटेंस है, कंट्रास्ट है इसके अंदर कि आप जो काम कर रहे हैं उसका अपोजिट आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका कंट्रास्ट आपको अगर शो होता है तो वहां पर बट का यूज होता है। तो देखिए ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की, ही कुडंट पास द एग्जाम, लेकिन वो फिर पास नहीं कर पाया। तो देखिए वर्क हार्ड किया लेकिन आपको अपोजिट यहाँ पर क्या मिला है, उसका रिजल्ट। दैट्स व्हाई वी यूज हियर बट उसने दे रखा, पर बट परिणाम के आगे हम बट का यूज करेंगे। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, रीराइट दिस सेंटेंस अनलेस, है ना, क्योंकि आपको इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है ना, डोंट, तो हम डोंट हटा देंगे क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं, जब तक, अनलेस यू स्टडी, ये डू हटाते हैं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। अगला है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, यानी क्या करना है आपको, सो नेगेटिव में चेंज करना, सब्जेक्ट दे रखा है, सबसे ज्यादा टेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से ही लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हाइड हो रखी होती है, तो वो यहाँ पर देखना चाहता है आपको हेल्पिंग वर्ब आप कैसे निकाल पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप रोहन स्पीक्स, रोहन फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी रोहन सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ में एस सी एस का यूज होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस सी एस है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और एस सी एस तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करना है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सीमा हैज रिटन अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव के अंदर क्या होता है, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, साथ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय लगाकर और ऑब्जेक्ट को आगे लगाकर सब्जेक्ट बना देते हैं, ये सब मेन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए लेटर हैज, हैज को हैज हैव को हैज बीन, हैव बीन हैज बीन रिटन बाय सीमा, बाय सीमा, ठीक है ना। अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, यहाँ पर सो का यूज करना है आपको, सो का मतलब इसलिए, अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, क्योंकि वह बीमार था, अजय बीमार था इसलिए वह, सो का मतलब इसलिए, वह क्या हो गया, तो अजय बीमार है इस वजह से वह स्कूल नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी है, जो कि है आपका टेक्स्ट से रिलेटेड है, देखते हैं इसको, कुछ छोटी आती है आपकी सेक्शन डी से, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे तो आपको समझ में आ जाती है। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक, जो रियल बुक होती है, इसमें दो बुक हो रखी है ना, दो बुक के बारे में बात की, एक तो रियल बुक और दूसरी टैली बुक। टेली बुक कौन सी, जो अभी आपके सामने है वो टेली बुक है, रियल बुक जो आपके हाथ में होती है वो रियल बुक होती है, जो कि आप पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो रियल बुक में क्या करता है, क्या करता है, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, वो क्या करता है, क्वेश्चन सिखाता है और क्वेश्चन टेस्ट भी लेता है, कौन, एक पर्सन से। जबकि यहाँ पर क्या है, ये ऑनलाइन वाला है, टॉट थ्रू कंप्यूटर ये टेली बुक करता है, गेव लेसन ऑनलाइन ये भी टेली बुक करता है, मेड द लेसन ये भी टेली बुक में होते हैं, जबकि रियल में क्या होता है, ये होता है। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजा व्हेन शी वाज सॉबिंग, जब वो रो रही थी सिसक सिसक कर, तो केजा की दादी ने उनको क्या दिया था, क्लीन हैंकी, एक अच्छा सा रुमाल दिया था कि आंसू पोंछ रहा, लेकिन और एक सलाह भी दी थी साथ में कि अपने पापा को क्वेश्चन गिफ्ट कर दो। व्हाई डिड बिस्मिल्ला रिफ्यूज टू गो टू यूएसए, क्यों बिस्मिल्ला खान ने रिफ्यूज कर दिया था यूएसए जाना, बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर हियर देयर, क्यों, क्या यूएसए में कोई फ्यूचर नहीं था शहनाई का, ही डिडंट लाइक द प्लेस, या फिर उन्हें ये प्लेस पसंद नहीं था, या उनका जो प्रेम था बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, तो यहाँ पर जो गंगा और बनारस के लिए उनका जो प्रेम था वो उस वजह से वो यूएसए नहीं जाना चाहते, जो तीनों चीजें थी, यूएसए में शहनाई को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो ना तो उन्हें विदेश जाना पसंद था, वो सिर्फ बनारस में रहना पसंद करते थे और उन्होंने अपना जीवन यहीं पर ही स्पेंड किया था, ठीक है। मंदिर में ही वो गंगा किनारे पर ही वो शहनाई बजाते थे। व्हाट इज द ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसमें क्या खुशी थी उस पोइट की, इस पोएम के अंदर रेन ऑन द रूफ, लाइंग ऑन द बेड इन द जॉयफुल मूड, कि बस वो वहाँ पर लेट जाता था, उस जो टप टप की आवाज आती थी उसको वो एंजॉय करता था, जो इको वहाँ मिलता था उसे उसको वो एंजॉय करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर देने हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, यानी उसकी एज हो चुकी थी 2.5 साल की, लेकिन अभी तक आइंस्टाइन बात नहीं करते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक,
ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जैसे ही उन्होंने कुछ सीखा, बोलना सीखा, तो अटक अटक कर बोलते थे, हर एक चीज को डबल डबल बोलते थे, स्टैमरिंग करते थे वो, ठीक, स्टैमरिंग होती थी उनको। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टाइन को कोई आइडिया नहीं था कि लोगों का कैसा बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो प्लेमेट्स थे ना उसको बोलते हैं ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ बाय मच ऑफ द टाइम, तो वो जो बेचारा बच्चा था ना वो अकेला ही खेलता था, उसे दूसरे लोग हंसते उड़ाते थे तो उसके साथ खेलना उसे पसंद नहीं था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उसे कौन से टॉयज पसंद थे, मैकेनिकल टॉयज जो होते हैं गाड़ी वगैरह, वो उसे पसंद थी। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और जब उसकी बहन वहां पर पैदा हुई मेजा माजा, जिसका नाम क्या था माजा, ही इज सैड टू हैव सेड, और उसने क्या कहा उसे देखते से, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, क्या ठीक है ये अच्छा है जो भी है मेरे सामने टॉय, लेकिन इसके पहिए कहाँ है। वहां पर वो उस बेबी को भी टॉय समझ रहे थे। तो देखिए आप, आइंस्टाइन का दिमाग अलग ही था। बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, किस उम्र तक उन्होंने सीखा नहीं था बोलना, 2.5 ईयर। व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, वो जो एल्बर्ट्स के जो क्लासमेट्स थे क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग बोरिंग। व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद, और उन्हें किसके साथ खेलना अच्छा लगता था, मैकेनिक टॉयज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये पहला आपका प्रोज सेक्शन से था, पोएट्री सेक्शन से आने वाला है आपका जो एक्सट्रैक्ट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अगर आपने बहुत अच्छे से पोएम्स पढ़ी तो आपको समझ में आ जाती है कौन सी पोएम है, उसके ऑथर और पोइट कौन है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि हु इज द पोइट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पोइट पूछ लिया जाते हैं उसमें ऑथर भी पूछ लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखा, वेन द ह्यूमन शेडो होवर, समझ में आ गया होगा, ओवर ऑल द स्ट्रेरी स्फेयर्स एंड द मेल्कनी डार्कनेस, gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft and rain overhead। abhi ye question hamara pehle aa chuka hai na, sabko samajh mein aa chuka hoga ki rain on the roof ka, the above extract has been taken from the poem rain on the roof, the opposite word of the bliss, bliss se kya hota hai, to kya hai yahan par, curse। Where do the shadow hover on the starry spheres? ठीक है, next question की तरफ move करते हैं। यहाँ कि आप answer the following questions से any six आपको करने हैं यहाँ पर। What is a tally book? Tally book क्या होती है? Tally book that can be displayed on a screen is called a tally book। यानी कि वो book जो कि आपको screen पर दिखती है उसे हम tally book कहते हैं। Where did Bismillah Khan get his big break? कहाँ मिला था ना? In the year 1938 in Lucknow, Bismillah Khan got his big break with the opening of The All India Radio, यानी कि AI Radio पर, देखिए All India Radio पर को पहला ब्रेक मिला था 1938 में, वो कहाँ पर था, लखनऊ में। Who were the people in KJ's family? KJ की फैमिली में कौन-कौन था? Obviously दादी माँ तो थी, सही पापा भी थे जिससे वो डरती थी, दादी उनको हैंकी देती थी, और मम्मी कौन थी, जो साथ में मम्मी भी थी उनकी। In all there were four members in KJ's family, her strict father, her stern mother, a loving grandmother and a KJ's herself, यानी चार मेंबर हो चुके हैं वो सारे के सारे। अगला है, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्हें क्यों लेटर लिखा था आइंस्टाइन ने। द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर आइंस्टाइन टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वाज टू अलर्ट हिम अबाउट द नाजीज, यानी कि जो नाजीज का जो हम नाजीज ने जो एटमिक पावर बना लिया था उसके लिए, उसको आगाह करने के लिए कि यहाँ पर एटमिक पावर बन चुका है तो आप भी तैयार रहे। He warned that the Nazis were working on a strong and new weapon that could make an atomic bomb। यहाँ पर जो नाजी की है वो काफी खतरनाक एटमिक बॉम्ब बना रहे हैं। How did the snake change the writer's opinion about himself? कैसे वहाँ पर जो राइटर की ओपिनियन थी स्नेक ने चेंज कर दी। हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ लिया था कि फर्स्ट टाइम वो देखता तो काफी अपने आपको अप्रिशिएट करता अपनी ब्यूटी को, और सेकंड टाइम पे वो अपनी स्टुपिडिटी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। When the doctor first smelled, he has an inflated opinion of himself, admiring his looks and profession. In the second instance, the doctor smiled, said his foolishness and helplessness. His thought changed after his encounter with the snakes. From being a proud doctor, he moves on to accept his stupidity. ठीक है, अगला है, why did the intruder intend to kill Geralt? क्यों मारना चाहता था intruder Geralt को? क्योंकि उसकी identity लेना चाहता था और उसकी लाइफ खुद जीना चाहता था। एज पर हिज प्लान ही द इंट्रूडर इंटेंड्स टू किल गेराल्ट इन ऑर्डर टू टेक हिज आइडेंटिटी एंड एस्केप कैप्चर बाय द पुलिस, और पुलिस से बचना चाहता था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स नियर पशुपतिनाथ?
कि जो फ्रूट सेलर थे बांसुरी बेचने वाले, और जो दूसरे हॉकर्स थे चिल्ला चिल्ला कर सामान बेचते वो हॉकर्स कहते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल का, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट था। द ऑथर सेज दैट अनलाइक अदर हॉकर्स द फ्रूट सेलर प्लेस स्लोली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ही डज नॉट शाउट आउट हिज वर्ड्स। यानी कि जो फ्रूट सेलर है ना चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल रहा, सिर्फ वो अपनी मधुर सी ध्वनि बजा रहा है फ्लूट की, और उसी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जबकि दूसरे होता हर एक चीज के लिए चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे हैं। तो ये काफी उसको अच्छा लग रहा था फ्रूट सेलर को देखते हुए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बीहाइव से पढ़े क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बीहाइव्स के प्रोज सेक्शन से। अब आपके सामने आ रहे हैं बीहाइव्स के पोएट्री सेक्शन से। ठीक है, प्रोज सेक्शन पढ़ चुके हैं, अब पोएट्री सेक्शन से आएंगे। आपको क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, कि हमें फ्रेंड्स बनना है अगर विंड के साथ तो हमें क्या करना चाहिए। तो अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा तभी हम विंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वी शुड मेक श्योर दैट वी आर मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी, व्हेन वी स्टे स्ट्रॉन्ग द विंड वॉन्ट हार्म अस एंड विल बिकम फ्रेंड विद अस। जब हम स्ट्रॉन्ग है तो वो हमें हार्म नहीं कर पाएगी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड है। व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, तो सेंट पीटर ने क्या मांगा था उस ओल्ड लेडी से। सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, व्हाट चेंजेस डिड द स्लंबर ब्रिंग इन द पोएट्स फीलिंग। तो यहाँ पर जो था जो स्लंबर, स्लंबर का मतलब जो गहरी नींद थी, उसको जिसने पोएट की फीलिंग में क्या क्या चेंजेस लाए थे। ही सेज दैट ही इज सो शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हर लव्ड वन दैट ही फील्स दैट हिज सोल हैज गॉन इनटू अ डीप स्लीप, ही हैज बिकम कंप्लीटली नम एंड सेंसलेस। हमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, उसको देखते हैं। अभी आपका आने वाला है मोमेंट्स। व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो टू सहारनपुर, क्यों ग्रैंडफादर ने सोचा कि हम टोटो ने जो मंकी है उसको हम सहारनपुर लेकर चल जाए। टोटो वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, देयरफॉर एज ग्रैंडफादर वाज लीविंग फॉर सहारनपुर फॉर सम वर्क, ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलोंग विद हिम सो दैट ही कुड कीप ऑन आई ऑन हिम। अगला है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल वर दैट द होल किंगडम वाज अस्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट, एंड वेदर इट वाज अ मेजर ऑफ राइस अ बंच ऑफ बनाना एवरीथिंग कॉस्ट द सेम इन द किंगडम ऑफ किंगडम वन डूडू और वन रूपी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि जो किंगडम ऑफ फूल है उसमें क्या किया जाता था, हर दिन को रात और रात को दिन कर दिया गया था। वहां पर हर एक चीज चाहे कितनी महंगी कितनी भी सस्ती उसकी कीमत 1 डूडू यानी कि 1 रुपया ही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्राइज एंड गो टू इजिप्ट, यानी कि सॉरी व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस, उसने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा था स्वेलो ने, और वो इजिप्ट क्यों नहीं गया था। द स्वेलो फाइनली डिसाइडेड नॉट टू लीव द प्रिंस बिकॉज ही हैड गिवन अवे बोथ ऑफ हिज आइज टू पीपल इन नीड एंड was not blind, so the swallow decided to stay with him and be his guide. क्योंकि क्या होता है ना, जो प्रिंस होता है वो अपनी आंखें तक निकाल कर दे देता है, और उससे समझ जाता है कि जो स्वेलो पक्षी है वो समझ जाता है कि अभी अंधा हो चुका तो इसको मेरे गाइड की आवश्यकता है, इसलिए वो उसको छोड़कर नहीं जाता है। काफी अच्छी स्टोरी है, आपने पढ़ी होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, why the answer the following question in about 75 words, why does the world रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, क्यों हम वर्ल्ड सिटीजन के रूप में आइंस्टाइन को जानते हैं। आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, ही वॉज कंसर्न अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एटमिक बॉम्ब, ही इवन रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन एंड प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या कहा, पूरी वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से बचाने के लिए रूजवेल्ट को अलर्ट किया था, पूरी लोगों का सोचा था, इसको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीम मेट्स, शी वेज टू क्लाइम माउंटेन व्हेन शी यूज्ड टू वॉच द विलेजर्स गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिश्ड आफ्टर अ व्हाइल, वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ, she found nobody except a few mountaineers, later she saved money and enrolled in a course at Uttarakashi Nehru Institute of Mountain Training. Okay, next question पर move करते हैं। देखिए आप next question आपका question number 15, write the central idea, ये central idea आपको आने ही आने वाला, तो आपको central idea तो सभी की याद होनी चाहिए।
सेंट्रल आइडिया तो रेन ऑन द रूफ और दूसरा है लेक आइल ऑफ निस्फ्री। तो इन द पोएम रेन ऑन द रूफ द पोइट हाईलाइट्स द सूदिंग एंड हीलिंग क्वालिटी ऑफ नेचर। द पोइट वॉइसेस आउट ऑफ फीलिंग आफ्टर अ रेनी डे ही रिमेंसेस द मोमेंट्स एंड मेमोरीज ऑफ लॉन्ग फॉरन डेज ही ड्रीम्स ऑफ बेटर टाइम्स व्हेन लाइफ वाज कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि नेचर को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है। व्हाट आर द आइडियाज कंटेंट इन द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। The central idea of the poem The Lake Isle of Innisfree is that nature is the healer of soul. It brings peace, prosperity, beauty, love and compensation. On the other hand, city life is full of ugliness. ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, बन गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है describe the incident with the tusker. What does it reveal about Iswaran's character? The story about the tusker was one of the real life incident that Iswaran recounted to entertain his master. According to Iswaran, the tusker had escaped from the timber yard where he worked and began roaming around, stomping on bushes, breaking branches and tearing up creepers. Agla hai iske option mein aapko milne wala hai question. Describe the first meeting between Sarji and Lashkop. How did Sarji take pity on Lashkop? तो सर जी को कैसे दया आ जाती है उस लश्कोफ के ऊपर। सर जी एंड लश्कोफ आर कैरेक्टर इन द स्टोरी द बेगर ए बाय एंटन चकोबाव। द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द सर जी एंड लश्कोफ हैपेंड इन द स्ट्रीट व्हेन लश्कोफ वाज बेगिंग फॉर मनी। सर जी हेल्प लश्कोफ बाय गिविंग हिम द जॉब ऑफ कटिंग वुड्स फॉर विच द सर जी गिव्स मनी। तो देखिए यहाँ पर आपको सर जी लश्कोफ वाला बात था कि आपको इन दो फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था और कैसे उसने उसको दया आ गई और क्या वर्क वहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है पूरा वीडियो आपने देखा होगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। देखिए मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, एक एक चीज आपको देखनी है, क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं, ए बी सी सेक्शन आपको बहुत अच्छे से देखना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाए। और उम्मीद है आपके लिए चैनल का ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा और आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। ठंड हो रही है, जा रही है, लेकिन मेहनत बरकरार रखनी है आपको, अपना भी ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेयर के साथ में। बाय।